पर आपको टोटल 15 पैटर्न्स मिलने वाले हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से यहाँ से पीछे की तरफ से इजीली इसके पैटर्न्स को चेंज कर पाएंगे। सो यहाँ पर जो इसकी कॉस्ट है 75 ही है, तो साथ में आपको एक एक्सेसिव फीचर भी मिलने वाला है। हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यामा RN5 V3 के टेल हजार्ड फ्लैशर की। सो जैसे कि आपने हमारे एक प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा दोस्तों, हमने वहाँ पर टेल हजार्ड फ्लैशर का एक वीडियो बनाया था, बट वहाँ पर हम सभी पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास ये स्विच नहीं था। तो ये स्विच हमारे पास आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रोडक्ट हमें मिला है PGX ऑटो एसेसरीज की तरफ से। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे दोस्तों, एक सिमटेक का ब्रांड है जो कि काफी बेहतरीन ब्रांड है दोस्तों हजार्ड फ्लैशर में। काफी पहले से दोस्तों ये डील कर रहे हैं हजार्ड फ्लैशर्स को। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको इनसाइडली यहाँ पर एक मास्क मिलने वाला है जो कि काफी अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों यहाँ पर सिमटेक का। तो जब आप यहाँ पर बॉक्स को ओपन करेंगे तो दोस्तों इनसाइडली आपको एक वारंटी कार्ड मिलने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जो वारंटी कार्ड हमें 2 ईयर की वारंटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि 24 मंथ की। पहले दोस्तों यहाँ पर 1 ईयर की ही आपको वारंटी मिलती थी, बट अब यहाँ पर आपको 2 ईयर की वारंटी मिलती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ है दोस्तों सिमटेक की। उसके बाद जब दोस्तों आप इनसाइडली जब आप इस प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे टेल हजार्ड फ्लैशर मिलने वाला है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम अपने हाथ में लेंगे तो यहाँ पर आप इसकी क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी बेहतरीन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। उसके बाद दोस्तों आपको इनसाइडली यहाँ पर एक कनेक्शन वायरिंग मिलेगी जो यहाँ पर डायरेक्टली प्लग एंड प्ले है। सो यहाँ पर सिमटेक ने एक और अच्छी चीज़ की है दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पर रॉयल एनफील्ड गाड़ी है और अगर आप स्विच कर रहे हैं यामा पे, तो आप इजीली दोस्तों यहाँ पर उसके अंदर भी स्टाइल हजार्ड फ्लैशर को इंस्टॉल कर पाएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सिर्फ जो वायरिंग है दोस्तों इसको बाय करना है। तो यहाँ से आप इसको बाय कर लीजिए और ईजिली आप यहाँ पर इसको प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो हजार्ड फ्लैशर की दोस्तों जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बच जाएगी। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों इसकी कॉस्ट की, तो यहाँ पर जो इसकी कॉस्ट है दोस्तों 1099 है। यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड डिलीवरी चार्जेस भी आपको अलग से कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं देने होंगे। अगर दोस्तों आप PGX पे हमारा कोड यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 के अप्रोक्स डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कोड दोस्तों मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पर बताऊंगा, और आपको पता है जैसा कि दोस्तों हम अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहां से जाके हमें DM कर सकते हैं। सो यहाँ पर चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसको कनेक्ट कैसे करना है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डायरेक्टली बड़ी ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डायरेक्टली अपने टैल के अंदर इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर जो फीचर्स मिलने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 10 तो हजार फ्लैशर मिलने वाले हैं टैल के, और 5 आपको ब्रेकिंग फ्लैशर्स मिलने वाले हैं। तो टोटल आपको यहाँ पर 15 पैटर्न्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर बात करूँ दोस्तों इसके वाटर रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर एक कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंस है। तो जब आप इसको हाथ में लेंगे तो आप खुद जान जाएंगे दोस्तों कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो फिटिंग है और जो इसकी फिनिशिंग है उसको देख के आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक रहने वाले हैं। उसके बाद अगर दोस्तों आप यहाँ पर अलग से स्विच बाय करते हैं, तो यहाँ पर स्विच के लिए आपको 75 पे करना होगा, जो कि बहुत मिनिमम चार्जेज हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा स्विच होने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके का स्विच होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको आप अपने आगे हैंडल बार पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर पीछे की तरफ भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का यूनिवर्सल क्लैंप है, यहाँ से आप इसके पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। सो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का इन्होंने यहाँ पर सील्ड कर रखा है। सो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार सीट ओपन करके यहाँ पर पैटर्न ना चेंज करें, तो आपको करना क्या है, साथ में यहाँ पर आपको ये स्विच भी बाय करना है। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ से इस सेल को कट कर देना है जो श्रिंक ट्यूब है। उसके बाद आप इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। जब आप इसको कनेक्ट कर लेंगे तो आप इजीली बाहर से इसके काफ़ी सारे पैटर्न्स को बदल पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो चलिए अब अपनी बाइक के पास चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या इसकी इंस्टॉलेशन होने वाली है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी V3। तो चलिए अब यहाँ पर टेल हजार्ड फ्लैशर को इंस्टॉल करते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पीछे चलना होगा। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर मॉड्यूल लेना है। मॉड्यूल लेने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर सीधा कनेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं बॉक्स को साइड कर देता हूँ। इनसाइड द बॉक्स हमें यहाँ पर जिपर स्टिपर भी मिलता है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से पीछे से बैक सीट को ओपन करना है। यहाँ पर आपको वोल्ट मिलने वाला है, तो उसको आप ओपन कर लीजिएगा, बहुत ईजी उसका प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर रखा है ताकि वीडियो के अंदर मैं आपका टाइम ना लूँ। सो यहाँ पर जब आप इस सीट को ओपन कर देंगे तो पीछे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर कंपार्टमेंट मिलने वाला है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर टोटल 6 नट्स को रिमूव करना है। 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये इनसाइडली आपको स्क्रूज मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आप इनको रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इजीली इसके कनेक्शंस को निकाल पाएंगे। मैंने इसको बाहर निकाला हुआ था दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर इसको वापस ओपन नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर रिले को साइड कर लेना है। अगर दोस्तों आप परफेक्टली इस काम को कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर कर भी ये सकते हैं कि डायरेक्टली आप यहाँ पर इस कनेक्शन पोर्ट को निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से निकाल लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस कनेक्शन को डीअटैच करवा देना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ी आसानी से डीअटैच हो जाएगा। उसके बाद आपको जब हजार्ड फ्लैशर इंस्टॉल करना है, तो हजार्ड फ्लैशर के लिए दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। सो यहाँ पर
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से मेल फीमेल कनेक्टर को आपको यहाँ पर माउंट करवा देना है। सो चलिए यहाँ पर मैं इसको माउंट करवाता हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से माउंट हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरी तरफ वाला जो पोर्ट है दोस्तों यहाँ पर सेम मेल और फीमेल को कनेक्ट करवाना है। सो चलिए यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करवा देता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों हमारी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। सो चलिए यहाँ पर मैं आपको पीछे की तरफ से थोड़ा लुक दिखाने की कोशिश करता हूँ टेल लाइट के, और यहाँ पर मैं आपको पैटर्न भी दिखाता हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न्स आने वाले हैं जब आप यहाँ पर इसको स्विच करेंगे हजार मॉड्यूल को। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको 10 टोटल पैटर्न्स मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं आपको इसका बहुत अमेजिंग फीचर दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे आप यहाँ पर ब्रेक को प्रेस करेंगे सो पीछे की तरफ से आपको यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं पैटर्न्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। जब आप दोस्तों यहाँ पर मॉड्यूल और ब्रेक को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप इसके और भी पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। तो टोटल आपको इस तरीके से 5 पैटर्न्स मिलने वाले हैं। सो चलिए यहाँ पर मैं आपको स्ट्रोक लाइट के अंदर भी इसको फिट करके दिखाता हूँ ताकि मैं आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखा सकूँ इसके अंदर भी। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको लाइटिंग पैटर्न्स मिलेंगे। यहाँ पर आप इसके पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पर अब मैं आपको ब्रेकिंग के अंदर इसके फीचर्स दिखाता हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे आप ब्रेक करेंगे ये देखिए ये पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इस मॉड्यूल का जो कनेक्शन है वो आउटसाइड आपको मिले तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली इसके अंदर इसको फिट कर देना है। सो यहाँ पर जब आप इसको फिट कर देंगे अब आप इसके स्विच को बाहर की तरफ इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आप उसको कहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो चलिए मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ दिखाता हूँ इसके पैटर्न्स को चेंज करके। सो ये देखिए आप इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको अगर पैटर्न चेंज करना है तो आपको यहाँ पर ब्रेक और इसको साथ में प्रेस करना है। सो ये देखिए ब्रेक के और यहाँ पर ये जो पैटर्न्स है ये कम्प्लीटली चेंज होते जा रहे हैं। सो आप यहाँ पर अपने मन मुताबिक यहाँ पर पैटर्न रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कम्प्लीटली आपको फिट कैसे करना है। सो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया है। मैं अभी इसको माउंट करने जा रहा हूँ दोस्तों हमारी कस्टम लाइट के अंदर। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको डिमाउंट कर लेना है। सो आपको अभी यहाँ पर इस स्विच को करना क्या है, नीचे की तरफ से इंसर्ट करते हुए ऊपर की तरफ निकाल लेना है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर पीछे से अपनी टेल नहीं निकाल रखी है तो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, इतना सा स्पेस आपको इजीली मिलेगा दोस्तों कि आप यहाँ पर इसको पास कर पाएँ। सो चलिए यहाँ पर मैं इसको निकाल लेता हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस स्विच को कनेक्ट करवा देना है। यहाँ पर अभी कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारी कस्टम लाइट है उसके साथ मैं इसको यहाँ पर पेयर करवा देता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये माउंट हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक्सेसिव वायर को नीचे की तरफ ले लेना है और आपका जो मॉड्यूल है दोस्तों इस मॉड्यूल को आपको यहाँ पर फिट कर देना है। जब आप इस मॉड्यूल को यहाँ पर फिट कर देंगे उसके बाद आपको जो नीचे की तरफ स्विच मिलने वाला है इस स्विच को आपको इंस्टॉल कहाँ करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों ये कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर नट मिला हुआ है, यहाँ पर हमें इसको फिक्स करना है। सो यहाँ पर जो इसकी फिक्सिंग है बहुत आसान सी है, यहाँ पर मैंने एक कस्टम टेल टेडी लगाई हुई है। सो यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरीके से फिट कर दीजिए। मैं यहाँ पर अपनी बाइक को ऑन करता हूँ और पीछे की तरफ से आपको पैटर्न चेंज करके दिखाता हूँ। सो आप देखते जाइएगा दोनों को दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देख सकें तो यहाँ पर मैं जैसे ही प्रेस करूँगा ये देखिए यहाँ पर इसके पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ये देखिए। सो इस तरीके से आप यहाँ पर पीछे की तरफ से भी इसके पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। सो गाइज ये थी इंस्टॉलेशन टेल हजार्ड फ्लैशर की। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको अपनी बाइक के अंदर टेल हजार्ड फ्लैशर इंस्टॉल करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहाँ जाकर आपको रिप्लाई करूँगा। सो मिलते हैं कुछ ऐसी अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।